हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल डीडी क्लास में। बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम चल रहा है सीबीटी का, तो वो फ्रेंड्स आप जो है लास्ट स्टेज में है। 27 दिसंबर लास्ट डेट है एग्ज़ाम का। तो यहां पर फ्रेंड्स रोज़ाना आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो क्वेश्चन मुझसे मिलते हैं फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर जरूर करते हैं। जैसे इससे पहले मेरे वीडियो आप लोग हो सके देखे होंगे, जो कि 27 नवंबर, 10 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, सारा का वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है। जितने क्वेश्चन मुझे मिले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अपने वीडियो में इस चैनल के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और मैंने बहुत सारे वीडियो भी अपलोड किए हैं तैयारी वाले क्वेश्चन के लिए, MCQs, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, मेल मर्ज, इन बहुत सारे अपलोड किए हैं। उससे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेके आ चुके हैं जो कल एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर का, ठीक है। तो उसका क्वेश्चंस जो कि ऑल शिफ्ट का जो होता है 1, 2, 3 तीनों शिफ्ट का मिलाकर जितने क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं सब कुछ इस चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन ईजी था कि मीडियम था कि हार्ड था, सब कुछ आपको बताने वाले हैं, आप खुद देख के समझ जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि वो भी क्वेश्चंस को जान सके और उसका एग्जाम अगर है आगे तो वो भी तैयारी कर सके। और आप चाहते हैं कि इस तरह का अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें कि बताएंगे आपको कल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उसका पूरा अपडेट। तो फ्रेंड्स सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे वो आया था WWW, जो होता है वो इसका फुल फॉर्म नहीं आया था, बल्कि क्या आया था इसका फुल फॉर्म, पहले जो मैंने बताया था क्वेश्चन आपको उसमें ये पूछ चुका है। ये क्वेश्चन जो कल आया था ये आया था कि WWW क्या होता है, क्या होता है, जैसे कि वेब ब्राउजर, ठीक है, इंटरनेट, वेब पेज या आपका वेबसाइट, क्या होता है ये, क्या होता है, इंटरनेट होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा, यानी आपको एक तरह का क्वेश्चन जो है बहुत तरीके से पूछ सकता है, उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, वो क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा। WWW क्या होता है, इंटरनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आया था Ctrl+I से क्या होता है, ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। कोई भी हम लोग वर्ड या टेक्स्ट को क्या करते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, हल्का सा तिरछा कर सकते हैं, ठीक। Ctrl+I क्या है, शॉर्टकट की है इटैलिक का। ये क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में। और आया था क्या कि मेल मर्ज का जो है डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, ठीक है, मेल मर्ज का डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स मेल मर्ज का जो है मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, ठीक है, MCQ, वो वीडियो आपने देखा तो जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आया था। और आया था कि MS ऑफिस हम कैसे ओपन करते हैं, तो ये आप लोग जानते ही हैं। तो जो ये मान लीजिए मेरा स्क्रीन है कंप्यूटर का, यहाँ पर आता है आपको स्टार्ट बटन, रहता है स्टार्ट बटन, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो फिर जाना है आपको और प्रोग्राम में, फिर यहाँ पर बहुत सारे मिलेगा, यहाँ जाना आपको MS ऑफिस में, यहीं से आपको खुल जाएगा जो भी आपको ओपन करना है। इस टाइप का आपको रहेगा ऑप्शन, वहीं से आपको जाके आंसर देना है। और आपको आया था लोकल एरिया नेटवर्क से क्वेश्चन आया था, ठीक है, कंफर्म नहीं है किस टाइप का है, लेकिन लोकल नेटवर्क से क्वेश्चन आया था आपको। और क्वेश्चन आया था कि एक्सेल में जो है, एक्सेल में ओपन करने पर जो है डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, एक्सेल में जो वर्कबुक ओपन करेंगे तो इसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो मैंने आपको जो वीडियो जितने में पढ़ाया है उसमें बताया था, या जो मेरा ईबुक वगैरह है सब में है, तो ये जो मेरा स्क्रीन है जब हम ओपन करेंगे एक्सेल को, ठीक है, तो इसका क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो ऊपर में अगर हम नाम नहीं देंगे क्या होता है, Workbook 1, अगर मेरा Workbook 1 नाम से सेव हो गया, जब दूसरा ओपन करेंगे तो Workbook 2, इस तरह से डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है, Workbook 1 नाम से सेव होता है। अगर सीट पूछेगा आपको तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये आपको डिफ़ॉल्ट नाम होता है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इस तरह के पूछे जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको पूछा गया था कि जो आपको एक्सेल में फॉर्मूला वगैरह है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से क्या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके मैंने बताया आपको पहले बताया था वीडियो में, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादा आ रहा है, अभी जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। और जो है आपकी
एक्सेल में जो है न्यू शीट को लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था। एक्सेल में न्यू शीट को लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आपको पूछा गया है, सारा कुछ मैंने बताया था आपको। और फ्रेंड पूछा गया था कि वर्ड में जो है न्यू फाइल कहाँ से ओपन करते हैं, वर्ड में न्यू फाइल इसका जो होता है शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एन, वो तो है ही, लेकिन पूछा कहाँ से ओपन करते हैं, तो जो होता है आपको ऑफिस बटन, वहाँ जाके हम न्यू फाइल में ओपन कर सकते हैं, या जो होता है फाइल वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये पूछा गया था। और आपको जो आईपी एड्रेस जो क्लास होता है वहाँ से क्वेश्चन आया था कि क्लास जो बी है, क्लास बी कितने बिट का होता है, कितने बिट का होता है, 2, 4, 8, 16 इस तरह का ऑप्शन रहे आपको टिक मारना है। तो आईपी एड्रेस को आप लोग सही से पढ़ लीजिए, और मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन शेयर किया आपके साथ इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसमें जो है मैंने आपके साथ लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस शेयर किए, और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है मैंने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा मैंने बताया कि क्या कहाँ से आ रहा है आपको, जो मेल मर से आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्टकट किससे आ रहा है, फुल फॉर्म से आ रहा है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जो आपका मेन्यू होता है ऊपर में रिबन से, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस किस टैब में क्या क्या होता है, तो आपको इस सब एकदम पढ़ लेना है, रट लेना है। और आपको एक्सेल से फॉर्मूला पूछा जा रहा है, एक्सेल में रॉ कॉलम से तो लगभग हर क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है, आपको एक्सटेंशन से पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और फ्रेंड्स आज जो एग्ज़ाम हुआ है 19 दिसंबर को, इसका भी क्वेश्चन मुझे जैसे मिलेंगे मैं आपको कलेक्ट करके इस वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरे चैनल के नीचे में आपको मिल जाएगा, वीडियो के नीचे में आपको टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ जाके मेरे साथ में क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।